सभी किसान भाइयों को सादर प्रणाम। किसान भाइयों, मेरी YouTube चैनल फार्मिंग एडवाइजर में आप सबका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जो गोभी के खेत में अंतिम अवस्था में अंतिम स्टेज पे कौन सा स्प्रे हमको करना चाहिए ताकि फूलों का आकार सफ़ेद आए। किसान भाइयों, सबसे पहले हमको करना चाहिए इल्लियों का कंट्रोल। देखो, इल्ली मार आप कोई सा भी ले सकते हो, कोराजन ले सकते हो आप, इमाम एक्टिन बेंजोइट ले सकते हो, डेलीगेट ले सकते हो, डाव एग्रोसाइंस का काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है डेलीगेट वगैरह का। तो सबसे बात है, पहले करेंगे इल्लियों का कंट्रोल होना चाहिए, प्रमुख बिंदु ये है। इल्लियों का कंट्रोल अच्छे से होना चाहिए, फिर आपका फूल जो है सफ़ेद निकलेगा। सेकंड थिंग, आपको स्प्रे में अंतिम में क्या करना चाहिए, अब उसके हम बात करते हैं। किसान भाइयों, आपको इस अवस्था में देखना है फूल अपना। ये अवस्था में यदि फूल आना स्टार्ट हो, हल्का सा फूल आना प्रारंभिक अवस्था आने की स्टार्ट हो, इसके 15 दिन बाद हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी हमारी, तो इस अवस्था में आपको लेना चाहिए बोरान। क्या लेना चाहिए किसान भाइयों? ये बोरान है हमारे पास, आपको बोरान लेना चाहिए 50 ग्राम प्रति पंप आपको बोरान छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद आपको इल्लियों पे काफ़ी बेहतरीन कंट्रोल करना चाहिए। यदि इल्ली पे कंट्रोल करना चाहिए तो आपको डेलीगेट लेना चाहिए डाव एग्रोसाइंस का, आप कोई सा भी ले सकते हो डेलीगेट। लार्गो में भी आता है, जो इसका जो टेक्निकल स्पाइनोटोरम, ये लार्गो में भी आता है। धनुका की, टाटा की भी एक आती है, उसमें भी आता है, जो टाटा का समीत आता है उसमें भी यही कंटेंट है। उसके बाद आपको लेना चाहिए उसका स्प्रे, आपकी बात करेंगे कितना आपको लेना चाहिए, 18 ml प्रति पंप आपको स्प्रे लेना चाहिए। इससे इल्लियों का काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, इल्लियों पर अच्छा कंट्रोल होगा तो फूल वैसे ही सफ़ेद आपके बनेंगे। किसान भाइयों, उसके बाद आपको यूज़ करना चाहिए 0050, जो एक पोटास की मात्रा आती है इसमें। अंतिम अवस्था में पोटास का होना बहुत अति आवश्यक है, इसके फूल अच्छा आएगा, सफ़ेद आएगा, बड़ा बनेगा। तो किसान भाइयों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जवान जय किसान। सभी किसान भाइयों को दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। किसान भाइयों, इसमें हम किसी दवाई का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हो हमारा गोभी का प्लाट काफ़ी शानदार प्लाट है। किसान भाइयों, यदि आप ये प्रोसेस करते हो तो आपको रिजल्ट काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलेगा, हम भी करते हैं, फूल अच्छा सफ़ेद बनता है। जय जवान जय किसान।